अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो वंस अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मिजाज फैशन स्टूडियो जो के ऊपर है। एक तो पता नहीं इन स्टूडियो में क्या चक्कर है कि हैं तो ही थोड़ी सी लेकिन थका देती है। तो अभी जाके देखते हैं कि अंदर कौन कौन है। तो ये है जी सेकंड फ्लोर और यहाँ पे है मिजाज फैशन स्टूडियो जहाँ पे हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या अहमद भाई ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या अहमद भाई ठीक हैं? और क्या अहमद भाई ठीक हैं? यार आपको एक ही जगह मिली हुई है व्लॉग बनाने की, अब आप लोग बुलाते इधर, हम क्या करें? प्यार है भाई, प्यार। आके भाई कैसे हैं आप? और आप निमहिम कैसी हैं? ये वो नहीं है बेसिकली निमहिम वाली जिन्होंने अपने वो जो ये वाले कपड़े ये लगाए हुए थे बाइट्स कैफे में, तो आज यहाँ पर आ गई। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं लोगों के आने का और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आकिब भाई। ये वही वाले भाई हैं जिन्होंने लास्ट जब हमारा रेड मैक वाला हुआ था इवेंट तब ये बस का वेट कर रहे थे खिड़की में खड़े होकर, अगर आपको याद होगा इसी जगह पे। तो आकिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो आके भाई क्या मसरूफियात हैं आपकी आजकल, क्या हो रहा है? यार कोरोना की वजह से बाज़ार वगैरह बंद है, तो वैसे मैं बाज़ार वगैरह जाता नहीं, तो वैसे बता रहा हूँ कि बंद है। अच्छा, फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है, जॉब वगैरह चल रही है मेरी। तो क्या टाइमिंग में कोई डिफरेंस आया है कि टाइमिंग में नहीं, वो फैक्ट्रीज वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या टाइमिंग है मेरी? 11 से 5 तक। अच्छा 5 बजे तक, चलो 5 का तो है, वो तो उससे पहले तो कोई इशूज़ नहीं है। और कोई उसके अलावा लॉकडाउन की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? लॉकडाउन की कैफियत ये है कि बड़े भाई दोनों की बाज़ार में शॉप्स हैं कॉस्मेटिक्स की। अच्छा, तो वो बंद है ठीक है कोरोना की वजह से, वो लॉकडाउन कर दिया उन्होंने 12 तारीख तक। लेकिन ये है कि मैं मुझे ये लगता है कि लाइक 12 तो उन्होंने कहा है ना, लेकिन ये एक्सटेंड होगा, मज़ीद एक्सटेंड होगा। आज सुबह गए थे ओपन करने। अच्छा, जुगाड़ लग जाए लेकिन वो वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह। तो फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, राइट? नहीं खुलेंगी और 12 तारीख तक टोटल नहीं खुलेंगी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, खुलेंगी। ओके भाई कैसे हैं आप आजकल? ठीक ठाक हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई बड़ी अपनी जवानी निकाल के आए हैं आज, मैं कहता हूँ बाल शाल और पता नहीं शेप शेप करवा के। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? आपकी गांव में क्या रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बड़े आज डिफरेंट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ? बस आप नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ करवाया आपने, मुझे समझ नहीं आ रही कि नहीं कटिंग करवाई है कि लेकिन ना कटिंग करवाई ना कुछ करवाया आपकी नजर है कहां है? अहमद भाई ओके मास्क उतार दो, मेरी आंखें खराब हो गई इधर लगता है। अहमद भाई ओके मास्क उतार दो आप इधर। ओ माय गॉड, ये क्या किया आपने अहमद भाई? असल में ना तो इधर ही है भाई, नहीं आज बाकी मैंने मेकअप करवाया। वैसे बड़े माशाल्लाह हैंडसम। मैंने उनको कल मैंने कहा था और हां जी पहले वो मैंने लगा दी है स्टोरी में, आप चेक नहीं की शायद, चेक करिएगा। हां जी मोहसिन भाई क्या कह रहे हैं आप? अपनी एज से 5 साल छोटे हो? ऐसी बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात। एनी कमेंट्स अहमद भाई? तो अब मसला ये है कि अभी तक कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक बाजी हमारी आई है और बस है कि ये मोहसिन भाई आए हैं बस, और कोई नहीं आया अभी तक, वी स्टिल वेटिंग। तो अभी अहमद भाई जो है वो हमें कोई एक्टिविटी बता रहे हैं तो वो ज़रा सीख लें, फिर आपको साथ में ना शेयर करते हैं। अच्छा बेसिकली ये जो गेम है इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? बिजनेस की जो पहली टर्म होती है वो होता है कि आप अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं और आप अपने पैसे कितने। रिस्क की बात नहीं हो रही, रिस्क की बात उन्हें भूख लग गई है, रिस्क नहीं नहीं मुंह बंद कर लेगा ऐसे क्या हो गया, टेप क्यों लगानी है उसके मुंह? नहीं वो बेसिकली पॉइंट लगा। आप हमें कुछ समझाते हुए वहां चले गए अहमद। एक मिनट बेसिकली आप
मुझे यहाँ पे पॉइंट्स लगने चाहिए। अच्छा, इस गेम के बेसिकली 3 राउंड, पहले 2 राउंड्स के अंदर पैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे, 3rd राउंड में पैसे इन्वॉल्व होंगे। पैसे मिलेंगे हमें? हाँ। अच्छा ठीक है, कौन देगा? बताओ। अच्छा अच्छा, माइनस कर देना ठीक है। देखो ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9 ठीक है। ठीक, अगर आप 9 पे खड़े हो ना, फॉर एग्जांपल इधर खड़े हो ठीक है, आपने एक दफा फर्स्ट राउंड के अंदर आपने एक पोजीशन अपनी सेट कर ली है ठीक है, उस पोजीशन से आपने हटना नहीं, वहीं पे खड़े होके आपने वो चारों रिंग्स उसके अंदर फेंकनी है ठीक है। वंस एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली है, ना आगे को इधर को पाउंड लेके जाना है, ना इधर को मूव करना है, उस डब्बे में रह के थ्रो करना है ठीक है। अब पहली टाइम कौन करना चाहेगा? आप करें। नहीं नहीं, मेरी तो है नहीं ना, मैंने तो है नहीं, मैं किसी का चलो ठीक है। एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, गोल ये अल्टीमेट गेमर रिंग्स उसमें फेंकनी है। पॉइंट 6 है, पाउंड अंदर कर दो। चलो ऐसे जैसे मर्जी फेंको। क्लोज मोहसिन भाई जो है वो हार चुके हैं, इनके उनका पैसे नहीं मिलेंगे। अभी अब है जाकिम भाई की बारी। पे है, नाइस शॉट। इसने लगता खेल ही लिया पहले, नुमाइशों में खेली होगी, नुमाइश वगैरह में बाबा पैसे लौट जाने। आके भाई भी हार गए। अब अगली बारी है, मैं तुझे आ रहा हूं। कितने किए हैं? मैं सीख कर तो मैं बस देखना सीख कर कितने डाले। बल्कि मेरी मैंने भी कर दी यहां पे खड़े हो भाई। अहमद भाई की बारी है। पूरा जा चल, किसी पॉइंट से हो रहे बेटे, पाँव से स्ट्रेट कर डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर ले। हाँ ठीक हो गया, हार गया, लेकिन राउंड 2 भी है अभी। और मैंने 2 रिंग्स को थ्रो किया और नहीं जा रहा रिंग, तो मैं अपनी पोजीशन बाकी 2 रिंग्स के लिए चेंज कर सकता हूं। मैं आगे पीछे हो सकता हूं ठीक है, आफ्टर 2 रिंग्स ठीक है। समझ आ गई? आज फिर से हमारे मोहसिन भाई अपनी ये ऐसे तो नहीं ना, उसमें से डब्बे में कटा होता है। डब्बा कोई भी हम कर सकते हैं राइट। मोहसिन भी फर्स्ट पॉइंट पे आप चले जाएं, नहीं पहले पॉइंट पे। अच्छा पहले अब 2 रिंग्स उधर ही खड़े होके पहले फेंकते हैं। सीरियसनेस ना, गेम की सीरियसनेस को समझो ना, गेम से बाहर भी तो हो जाओ। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ अगले पॉइंट पे। कंपटीशन इतनी पास नहीं जा रहा है यार, हाथ हो गई। बेटा जैसे जैसे मर्जी था, कोऑर्डिनेट के बोल रहा, सिर उसमें डाल दे। ओह माय गॉड, ओ वेरी नाइस। बेटा से भी मैच सकते हैं, अब चेंज, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, आगे होना आगे आ सकते हो। ओके ओके कैसे हैं आप? ठीक है। और बिलाल भाई आप कैसे हैं? अलहमदा ठीक ठाक। और बड़ी लेट है, मैं आपको फोन कर रहा था, बाहर खड़े हो गए, आपने फोन नहीं उठाया। बस यार मेरा फोन सारे बता, बस मैं गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, तो आ जाए ज्वाइन अस। बात यह है कि यहाँ पे गेम लगी है 200 रुपए की ठीक है,
जो इस वाले पॉइंट से करेगा ना, जो इस वाले पॉइंट से करेगा वो 800 ऑन करेगा, जो इस वाले से करेगा वो 600 ऑन करेगा, जो इससे करेगा 400 ऑन करेगा, और जो इससे करेगा वो 200 ऑन करेगा। मोहसिन भाई आज आप कितने कमाना चाहते हैं, अपने वापस लेना चाहेंगे या सबके खाना चाहेंगे? ये वालों का तो मुझे पता है, वैसे तो दूसरे तो कमा ही आए। नहीं मेरा मतलब ये कहने का है कि आप अपने कमाना चाहेंगे या दूसरों के भी खाना चाहेंगे? नहीं नहीं, दूसरों का हक नहीं खाते, यानी अपना ही आप अपना ही वो चल ठीक। 200 ला के 800 ली जा रहे हैं तो फिर भी कहते दूसरों का खाना नहीं खाते। इधर से तो है ये है बॉस। तो अब मोहसिन भाई की बारी है, देखते हैं। मोहसिन भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके आजमा रहे हैं कि किस एंगल से किस तरह फेंकूं। ओए हसन, ये बेसिकली गेम है जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो होती है ना, वो आप कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूं। मोहसिन भाई अब अच्छा जीरो, तो ये लास्ट चांस मोहसिन भाई। मोहसिन भाई बहुत अफसोस हुआ आपका, आपने 200 हार लिए। और ये देखिए डेविड भट्ट साहब आ गए। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तो आके ये देखें जी, आके भाई ने छोटे छोटे तो पैसे किया। मोहसिन भाई ने 0 ऑन किया है, अंडा 0, और आकिब भाई ने ऑन किया है 200। अब है मेरी बारी। होर बेसिकली स्टैंडिंग ऑन 200। ओके बड़े अच्छे हैं सारे, बहुत सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। कोई किसी का मतलब पीछे नहीं हो गया, छोटा सा नहीं मतलब पीछे हो गया। बैंक नो दे दियो चल, तो बात यह है कि हम लोग बेसिकली आज जो है आए हैं, आए थे मिजाज फैशन स्टूडियो में। तो हमारी छोटी सी जो वो एक मीटिंग थी आज, अनोखी हो गया था, चिपक गया दीवार में। तो बात यह है कि मेरा एक भतीजा है, उसकी थी बर्थडे 2-3 दिन पहले, जान भी 15 आए हाँ जी आ जाए आ जाए। तो मैंने जो है बेसिकली उनको विश करना था हैप्पी बर्थडे। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही क्यों विश करूं, मेरे साथ ये सब लोग जो है उसको विश करेंगे। तो आहिल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये रह गया हैप्पी बर्थडे आहिल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आहिल, और वो जो है माशाल्लाह 11 साल का हो गया आज। तो अल्लाह ताला उसको लंबी सेहतमंद और कामयाब ज़िंदगी दे। इसके साथ ही अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, इन केस कोई एक्टिविटी होगी तो आगे बात चलेगी या व्लॉग चलेगा, अदरवाइज़ आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हर बार की तरह इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।